दुनिया के अन्य धर्मों के विपरीत हिंदू धर्म की उत्पत्ति का श्रेय किसी एक पैगंबर या इतिहास किसी विशेष काल में नहीं दिया जाता है। हिंदू धर्म आध्यात्मिक अनुभव का एक दृढ़ आकार है। इसकी विशिष्टता यह है कि यह अति चेतन अनुभव में विश्वास करता है और संतों, ऋषियों और दुष्ट तारों की, आकाश गंगा की आध्यात्मिक अनुभूतियों पर भी है। इससे इनमें से प्रत्येक भव्य ईश्वरता का दावा कर सकता है। हिंदू धर्म की उत्पत्ति का पता लगाना एक कार्य हो सकता है, विशेष रूप से इसलिए कि इसका कोई निर्दिष्ट संस्थापक या भविष्यवक्ता नहीं है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए हिंदू धर्म के बारे में कुछ तथ्यों पर नजर डालते हैं कि हिंदू धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। इसमें हिंदू धर्म के 90 करोड़ अनुयायियों की परिक्रमा होती है। ईसाई धर्म और इस्लाम के बाद हिंदू धर्म दुनिया के सबसे बड़े धर्मों की सूची में तीसरा स्थान लेता है। उस 900 मिलियन हिंदुओं में से लगभग 95% भारत में रहते हैं। अब आइए भारत में सबसे बड़े धर्म हिंदू धर्म की उत्पत्ति को देखते हैं। कई विद्वानों और शोधकर्ताओं के अनुसार हिंदू धर्म कम से कम लगभग 6000 साल पुराना धर्म है। हिंदू धर्म की उत्पत्ति अद्वितीय है क्योंकि यह एक अकेला धर्म नहीं है, लेकिन कई परंपराओं और दर्शन का संकल्प। ऋषियों ने इसे आध्यात्मिक अनुभव की ऐसी दृढ़ नींव पर बनाया है जो सत्यापन योग्य है। हिंदू आध्यात्मिक परंपरा गंगा नदी की तरह कई शताब्दी से लगातार बह रही है और यह प्रवाह जारी है और ऐसा करना जारी रहेगा। इसलिए हमने ऐसे सनातन धर्म का नाम दिया है। अधिकांश प्रतिष्ठित विद्वानों का मानना है कि हिंदू धर्म की उत्पत्ति 3300 ईसा पूर्व और 2500 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। कई हिंदुओं का मानना है कि हिंदू धर्म सिंधु घाटी में शुरू हुआ था। सिंधु घाटी के खंडन आज के उत्तरी भारत और पाकिस्तान में है। हालांकि हिंदू ज्यादातर मानते हैं कि सनातन धर्म एक प्रथा के रूप में कालातीत है और हमेशा पृथ्वी पर मौजूद रहेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हिंदू धर्म कितना पुराना धर्म है? और यदि आप भी एक सच्चे हिंदू है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करना भूले। देखते हैं आज हिंदू लोग कितने अपने धर्म को सहयोग करते हैं। चलिए, और कमेंट में भूलकर भी जय श्री राम या जय हिंदू या जो भी आपको मन में अपना भगवान का नाम लिखना नहीं भूलेगा। चलिए, सभी को जय सनातनी, जय श्री राम।